given to special या फिर one person, place, animal or things that are called special names. So हम definition लिखेंगे naming words that are given to one person place animal or things that are called special names. Naming words that are given to one person, place, animal or things that are called special names or proper names. चलो proper names मतलब क्या, तो special names को हम proper names भी बोल सकते हैं. Okay, so special names किसको बोलेंगे, हमें पता है कि जब naming words that are given one person, यहाँ पे one person की बात हो रही है, कोई भी one person हो, like हमें से बोलते हैं, सारे boys की बात कर रहे हैं, तो सारे boys में से हमें से बोले कि राम, तो राम क्या हो गया, तो राम क्या हो गया, वो special name हो गया, okay, जिसका proper name ही दे दिया है, like हम अगर हम बोलते हैं कि मेरे grandfather है, वो बहुत अच्छे हैं, grandfather का भी name नहीं हुआ है, तो फिर क्या हो गया, तो जो grandfather का name है, like grandfather का नाम रमेश है, तो वो रमेश क्या हो गया, तो रमेश है वो proper name हो गया, then, so naming words में हमें क्या पढ़ाई करी, तो हम लोगों ने उसमें से name ढूंढने की कोशिश की, yes, फिर common name मतलब हम generally use करते हैं, like हम school की बात करते हैं, तो सारे के सारे school की बात हो गई, तो वो क्या हो गया, common names, but सारी school में से हमें क्या possible है, ये तपोवन स्कूल, तो तपोवन स्कूल क्या हो गया, स्पेशल नेम्स, ओके, फिर स्पेशल नेम्स की एक खासियत है, क्या खासियत है, तो कहते हैं स्पेशल नेम्स, स्पेशल नेम्स ऑलवेज begin with a capital letters. देखो ये इसकी खासियत है, ये इसकी स्पेशलिटी है. देखो अब है ना बहुत इजी हो जाएगा. आपको ऐसा बोला है कि स्पेशल नेम्स always begin with capital letters. चलो अभी ये कैसे हो गया, देखो ये special names है, वो क्या होता है, तो special names always begin with capital letters. वो जो special names है वो begin with मतलब start होते हैं with special names, sorry with capital letters. capital letters से वो start होते हैं. okay, अगर हम बात करते हैं naming words that are given to one person मतलब कोई भी एक person की बात हो रही है, कोई भी एक place की बात हो रही है, तो वो क्या हो गया, तो वो हो गया special names. okay, अगर हम special names में देखो, अगर हम ऐसे बात करते हैं कि मुझे garden में जाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो garden जो है वो क्या हो गया, तो वो हो गया common name. but अगर हम ऐसे बात करें कि मुझे अशोक garden बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हो गया, वो अशोक गार्डन है, वो अशोक गार्डन
वो क्या हो गया, तो वो है जो प्रॉपर नेम हो गया, स्पेशल नेम हो गया. ओके, सो हम स्पेशल नेम और कॉमन नेम का पूरा अलग अलग करेंगे. कि स्पेशल नेम है वो बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स, वो स्टार्ट मतलब बिगिन मतलब स्टार्ट, उसका जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो कैपिटल लेटर से होगा. तो ये हमारी क्या हो गया, ये हमें ढूंढने में बहुत आसानी हो गई. क्या आसानी हो गई, तो कॉमन नेम में देखो नेमिंग वर्ड ढूंढना तो हमें आ गया, तो हमें सेकेंड चैप्टर में वही पढ़ाई किया, तो हमें नेमिंग वर्ड ढूंढने में अच्छा प्रॉपर आ गया है. तो हम लोग क्या करेंगे, तो नेमिंग वर्ड ढूंढेंगे, फिर क्या देखना है ये कॉमन है या स्पेशल है. अभी इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये कॉमन और स्पेशल अलग अलग करना है. ओके, जो कॉमन नेम है वो और स्पेशल नेम में क्या है, तो कॉमन नेम स्मॉल से होंगे, स्टार्ट होंगे, और जो स्पेशल है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, कैपिटल से. ओके, अगर हम ऐसे बात करें कि सारी हॉस्पिटल है, बहुत सारी अच्छी अच्छी हॉस्पिटल है, हम ऐसे बात करते हैं कि हॉस्पिटल में पेशेंट का ध्यान रखा जाता है, हम ऐसे बोलते हैं, तो फिर पेशेंट है वो जो सबका ध्यान रखा जाता है. पर हम ऐसा बोलेंगे हॉस्पिटल वो कॉमन हो गया, पर हम ऐसे बात करेंगे कि सहयोग हॉस्पिटल है वो बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है. तो सहयोग हॉस्पिटल, सहयोग उसका नेम आया, सहयोग उसका प्रॉपर नाम आ गया, तो वो क्या हो गया, स्पेशल नेम्स. ओके, देन स्पेशल और कॉमन. फॉर एग्जांपल हम ऐसे एग्जांपल लें, तो हम एग्जांपल लेंगे तो क्या हमें पता चलेगा, तो हम एग्जांपल में देखो हम किसी का भी नेम ले सकते हैं, कोई भी गर्ल का नेम, अगर हम कोई भी गर्ल का नेम है हम ले सकते हैं, कोई भी बॉय का, किसी भी हॉस्पिटल का नेम, मतलब एक होना चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए और वो स्पेशल मतलब उसका प्रॉपर नेम ही दे दिए. एक हमें से बात करते हैं कि सारे के सारे टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, गुड टीचर्स हैं, सारे सारे टीचर्स गुड हैं, बट उसमें से हमें से बात करें कि कोई भी प्रॉपर नेम ले रहे, लाइक नेहा मैम तो बहुत अच्छे है, तो वो क्या हो गया, तो वो जो नेहा मैम है वो क्या हो गया, पूरा स्पेशल नेम हो गया. देन वो जो स्पेशल कॉमन में हमें ये डिफरेंसेस है कि हम सारे टीचर्स की बात कर रहे थे, सारे टीचर्स मतलब जनरल में से बात कर रहे थे कि बहुत अच्छे से पढ़ाते, और उसमें से हम ऐसे एक नाम लें लाइक नेहा मैम, तो हम नेहा मैम कर लिया, तो नेहा मैम उसमें से बहुत अच्छे से पढ़ाते, तो वो क्या हो गया, तो वो हो गया प्रॉपर नेम. क्या हो गया, प्रॉपर नेम. ओके, या हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन, तो राइट द नेम्स ऑफ दिस पिक्चर्स इन द फर्स्ट लाइन. आपको ऐसा बोला है कि राइट द नेम्स दिस पिक्चर्स इन द फर्स्ट, आपको फर्स्ट लाइन पे क्या लिखना है, तो फर्स्ट लाइन पे आपको इसका नेम लिखना है, ये क्या है, तो ये गर्ल है, ये क्या है, तो एलिफेंट है, ऐसे आपको लिखना है. राइट द नेम्स ऑफ दिस पिक्चर्स, दिस मतलब ये दिए गए हैं जो पिक्चर्स, उसको लिखना है. इन द सेकेंड लाइन राइट इफ इट इज अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स. आपको ऐसा बोला है कि इन द सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन जो है उसमें आपको लिखना क्या है, तो सेकेंड लाइन है राइट फिट इज अ पर्सन, पर्सन है, एनिमल है, थिंग्स है, या फिर प्लेस है, क्या है, आपको बोला है कि क्या है वो लिखना है. इन द फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स में लिखना है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है. ओके, इन द सेकेंड बॉक्स मतलब सेकेंड लाइन राइट इफ इट इज अ पर्सन प्लेस, मतलब ये क्या है, कौन से नेमिंग वर्ड. हमने पढ़ा क्या था कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स, विच इज सो पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस. ओके, तो हम लोग ये पढ़ाई किया था, तो ये हम क्या करेंगे, तो सेकेंड बॉक्स में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज द प्लेस, दिस इज अ पर्सन, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, सो फर्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो किसका पिक्चर है. इन सेकेंड बॉक्स, सेकेंड बॉक्स में हम लिखेंगे इफ इट इज पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. देन द फर्स्ट वन, चलो ये क्या है, सो दिस इज अ आइसक्रीम, हम लिखेंगे यहाँ पे आइस, आई सी ई सी आर ई ए एम, आइसक्रीम. फर्स्ट क्या दिया है आपको यहाँ पे, आइसक्रीम, तो हम लिखेंगे, क्या बोला था आपको, ये पिक्चर किसका है वो आपको आइडेंटिफाई करना है.
देन सेकंड जनरल यहाँ पे है तो ये क्या है, सो ये है टेंपल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे TEMPLE टेंपल, स्पेलिंग क्या आएगा TEMPLE टेंपल, ओके। फर्स्ट वन इज ICE आइस CREAM क्रीम आइस क्रीम, सेकंड वन इज TEMPLE टेंपल, ये क्या है, तो व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ गर्ल, हम लिखेंगे यहाँ पे GIRL गर्ल, हमने यहाँ पे सिर्फ गर्ल लिखा है, मतलब वो एक ही गर्ल की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा है सिर्फ गर्ल, अगर यहाँ पे दो तीन होती गर्ल्स तो मैं क्या लिखती, तो गर्ल्स, यहाँ पे एस, ओके। ये क्या है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ एलिफेंट, एलिफेंट का स्पेलिंग किसको आता है, यस ELEPHANT एलिफेंट, देन ELEPHANT एलिफेंट, डन एवरीथिंग। नेक्स्ट वन ऐसा आपको दिया है कि सेकेंड लाइन, इन सेकेंड लाइन राइट इफ इट इज अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, सेकेंड लाइन आपको ऐसा बोला है कि पर्सन है प्लेस है एनिमल है या थिंग है, ये आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो फर्स्ट वन इज आइसक्रीम, तो आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है, तो ये फूड प्रोडक्ट है फर्स्ट, तो आइसक्रीम हम खाते हैं, तो आइसक्रीम क्या हो गया, ये पर्सन है, तो यहाँ पे उसके दो ईयर्स दो आईज ऐसा कुछ दिख रहा है, पर्सन है नो, प्लेस से आइसक्रीम ऐसी कुछ जगह आती है नो, ये एलिफेंट है सॉरी ये एनिमल है नो, एनिमल भी नहीं है, तो ये क्या है, तो आइसक्रीम इज अ थिंग, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ थिंग्स, क्या है ये थिंग्स, क्या है थिंग्स, ओके क्या है थिंग, एक ही है इसलिए हम लिखेंगे थिंग, ऐसा आएगा नहीं। टेंपल, सो टेंपल, टेंपल कितने हैं, टेंपल एक ही है, टेंपल किस में आता है, पर्सन में आता है, टेंपल पर्सन में आता है नहीं, सो हम कौन, अब हम ऐसे बोलेंगे ना कि मैं टेंपल के पास जा रही हूँ, ओके, तो टेंपल इज वन टाइप ऑफ प्लेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PLACE, ओके। फर्स्ट बॉक्स में उसका नेम, सेकेंड बॉक्स में लिखना है ये क्या है, पर्सन है प्लेस है एनिमल है या थिंग है, क्या है, तो ये प्लेस है, दिस इज अ प्लेस। नेक्स्ट वन इज, चलिए ये क्या दिया है, गर्ल, तो गर्ल किस में आती है, पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, किस में आती है गर्ल, गर्ल इज अ गर्ल, देखो गर्ल कोई प्लेस है कोई जगह है नहीं, एनिमल है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या है, गर्ल इज अ पर्सन, हम यहाँ पे लिखेंगे पर्सन। देन नेक्स्ट वन इज एलिफेंट, सो एलिफेंट क्या है, तो हमें देखना है कि पर्सन है प्लेस है एनिमल क्या है, तो एलिफेंट है वो है एनिमल, सो हम लिखेंगे एनिमल, ओके। देन तो हम लोगों ने फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखा, तो हम लोगों ने फर्स्ट बॉक्स में कि वो क्या है, मतलब वो पिक्चर है वो क्या है, मतलब ये एलिफेंट है तो हमने लिखा है एलिफेंट। सेकेंड बॉक्स में हमने लिखना कि क्या किस में आता है, पर्सन में आता है प्लेस में आता है एनिमल में या थिंग में, तो किस में आता है ये हमने उसको आइडेंटिफाई करके दिया है, ओके। फिर अभी भी कुछ भी हो, लाइक हम ऐसे बोलते हैं, मैं ऐसा बोलूँगी कि जो नर्स है वो नर्स वो डॉक्टर की हेल्प करती है, ओके, तो मैं नर्स की बात कर रही हूँ, तो नर्स है वो कॉमन नेम है, ओके। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि सीता है वो डॉक्टर की हेल्प करती है, तो क्या सीता क्या हो गया, सीता स्पेशल नेम हो गया, ओके। फिर हम ऐसे बात करेंगे कि लाइक मैं ऐसे बोलूँ कि अंसा इज माई आंटी, मैं ऐसा बोलूँगी अंसा इज माई आंटी,
ओके तो हंसा, तो हंसा क्या हो गया, मैंने उसका प्रॉपर नेम लिया है, तो हंसा इज अ स्पेशल नेम। फिर मैंने बोला कि माय आंट, आंट आंट क्या हो गया, तो आंट कोई भी आंट की बात कर रहे हैं, तो आंट क्या हो गया कॉमन नेम। ओके सो स्पेशल और कॉमन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम उसको अलग अलग, देखो जिसका प्रॉपर नेम दे दिया है उसको हम बोलेंगे स्पेशल। लाइक मेरी बात हो रही है तो मैं मेरे ऐसे बोलूँगी, टीचर्स, टीचर्स की सारी बात हो रही है तो टीचर हो गया, पर मैं ऐसा बोलूँगी मेरा, लाइक मेरा बंसी नेम है तो मेरा नेम क्या है, बंसी है, मैं ऐसा बोलूँगी कि बंसी। ओके मेरी अगर बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉपर नेम, मेरा प्रॉपर नेम क्या है, बंसी, पर मैं टीचर भी हूँ तो टीचर क्या हो गया कॉमन। ओके